हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जो न्यूमेरिकल्स थे एवरेज स्पीड के, उसी को कंटिन्यू करेंगे। थोड़े कुछ अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स और भी देखेंगे, और एक बिल्कुल लास्ट न्यूमेरिकल जो आपने पढ़ा था उससे जैसा ही न्यूमेरिकल को देखेंगे। देखो, लास्ट वाले क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है। मैन कवर्स, जो आपने बिल्कुल लास्ट वीडियो में लास्ट न्यूमेरिकल देखा था, मैन कवर्स अ हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड रिमेनिंग हाफ विद स्पीड v2, फाइंड द एवरेज स्पीड। ठीक है, कोई एक इंसान पूरी जर्नी का आधा जो डिस्टेंस है वो v1 स्पीड से और आधा डिस्टेंस v2 स्पीड से ट्रैवल करता है। मान लो पूरी जर्नी ए से बी तक है, मैंने हाफ़ के लिए मिड पॉइंट सी ले लिया, तो यहाँ तक का डिस्टेंस डी, यहाँ तक का डिस्टेंस डी, वेलोसिटी v1 v2। हमने बेसिकली क्या पढ़ा है, व्हाट इज़ एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर सीधा क्वेश्चन होगा तो डिस्टेंस भी आपको दे देगा, टाइम भी आपको दे देगा, बस टोटल करने की ज़रूरत है। लेकिन थोड़ा सा घुमा के आएगा तो सिर्फ डिस्टेंस देगा, टाइम ना देके उसकी जगह दो बची हुई चीज़ को दे देगा, मतलब वेलोसिटी को, जैसा कि इस क्वेश्चन में है और पिछले न्यूमेरिकल में भी आप कर चुके हो। तो टोटल डिस्टेंस तो बहुत ईजीली डायरेक्टली निकल जाएगा, टोटल कितना ट्रैवल करा है जर्नी में इसने, डिस्टेंस डी प्लस डी टू डी। बट टोटल टाइम इज़ नॉट गिवन डायरेक्टली। जब डायरेक्टली नहीं गिवन हो तो जर्नी कितने टुकड़ों में बटी हुई है वो देख लीजिए। जर्नी में यहाँ तक, यहाँ पे वेलोसिटी v1, यहाँ v2 है, तो यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी अलग, यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी अलग, तो ये दो टुकड़ों में बटी हुई है। इन दो टुकड़ों पे आप स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले को अप्लाई कर दो, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि यही हमें करना है, हमें इन दो फॉर्मूले को साथ के साथ लेके चलना है। ठीक है, तो हम ए से सी के ऊपर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम को अप्लाई करेंगे। और वो भी कैसे पता लगता है, देखो आपको ऐसे पता लगता है कि आपको स्पीड पता है, क्वेश्चन में डिस्टेंस पता है। ठीक है, तो जो ये फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसमें तीन वेरिएबल है, अगर दो पता हो तो थर्ड इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, कोई भी दो पता हो थर्ड इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब जो चीज़ दोनों के लिए कुछ सेम है या रिलेशन रखती है उसी को एज्यूम करते हैं, कहेंगे सर डिस्टेंस भी तो नहीं पता, डिस्टेंस एज्यूम करा है, तो हम उस चीज़ को एज्यूम करते हैं जो दोनों जर्नी में जो दो टुकड़े हैं उसमें सेम हो या आपस में रिलेटेड हो। ठीक है, तो हम इस पे लगाते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ए से सी की स्पीड v1, डिस्टेंस डी, टाइम को t1 मान लिया। ठीक है, t1 की वैल्यू d अपॉन v1। सिमिलरली अगर b टू c के ऊपर हम अप्लाई करके देखें तो b टू c या फिर c टू b जो कह रहे हैं, स्पीड इक्वल्स टू v2, डिस्टेंस d, t2 निकालना है। फॉर्मूले में पुट करोगे तो t2 की वैल्यू आएगी d अपॉन v2। तो टोटल जर्नी में टाइम यहाँ से a से c t1, c से b t2, तो टोटल टाइम t1 प्लस t2, तो टोटल टाइम हो जाएगा d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2। बस इस फॉर्मूले में पुट करिए, जो आपका ये फार्मूला है एवरेज स्पीड का, आप पुट करें, आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पुट करें, डी को कॉमन ले लेंगे, डी कैंसिल, इस पूरी क्वांटिटी को एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आएगा v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2। ये वाली टर्म जब ऊपर जाएगी तो ट्वाइस ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, एग्जैक्ट वही रिलेशन जो आपके लास्ट न्यूमेरिकल में आया था। अब देखिए, थोड़ा सा अलग तीन जर्नी के लिए दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अ मैन कवर 3 इक्वल डिस्टेंस विद स्पीड, अब बात है ना इक्वल डिस्टेंस, जर्नी जो है तीन टुकड़ों में टूटी हुई है और तीनों टुकड़ों में डिस्टेंस बराबर है, इसलिए हमने डिस्टेंस को डी एज्यूम किया है, टाइम को कुछ भी एज्यूम नहीं किया है, क्योंकि टाइम का कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है कि टाइम आपस में बराबर ले रहा है नहीं ले रहा है। लास्ट न्यूमेरिकल देखोगे उसमें आपको मिलेगा कि टाइम में रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी क्या किया जाए, टोटल डिस्टेंस तो बहुत इजीली निकल जाएगा, डी प्लस डी प्लस डी 3d। अब पूरी की पूरी जर्नी तीन टुकड़ों में डिवाइड है, उन तीनों टुकड़ों के लिए हमने डिस्टेंस को dd मान लिया। तो देखिए आप इतने से टुकड़े पे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले को लगाओगे तो आपको t की वैल्यू मिलेगी t/v1। फॉर c2d को अप्लाई करोगे तो आपको देखो स्पीड पता है v2, डिस्टेंस t, टाइम t2, यही निकालना था, t2 को निकाल लिया। सिमिलरली d2b के लिए t3 को निकाल लिया, टोटल टाइम आ गया d/v1, d/v2, d/v3। इनको पुट कर दीजिए यहाँ पर, द एवरेज स्पीड विल बिकम थ्राइस ऑफ v1 v2 v3 v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए बेटा, क्या लिखा है, अ मैन कवर्स अ जर्नी विद स्पीड v1 एंड v2।
कोई एक मैन जो है एक कंप्लीट जर्नी को V1 और V2 की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, मतलब दो अलग अलग स्पीड तो आपकी पूरी जर्नी के दो टुकड़े होंगे, दो पार्ट हो जाएंगे इफ़ ही टेक्स इक्वल टाइम इन ईच पार्ट ऑफ जर्नी। ठीक है, कितने पार्ट हैं? दो पार्ट। तो हमने मान लिया कि ए से बी तक आया तो टी टाइम लिया, और बी से सी में भी टी टाइम लिया क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला है। इस बार देखो डिस्टेंस एज्यूम नहीं किया, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ईच पार्ट में बराबर समय ले रहा है। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इस बार क्या टोटल डिस्टेंस है? नहीं, टाइम है, तो टोटल टाइम 2t हो गया। टोटल डिस्टेंस डायरेक्टली नहीं गिवन है, तो जर्नी के जितने पार्ट हैं, जितने टुकड़े हैं, उसके ऊपर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले को अप्लाई कर दीजिए। पहला ए टू बी, अगला है बी टू सी। तो पहले ए टू बी पे अप्लाई करें, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड पता है, डिस्टेंस नहीं पता, तो डी वन ले लिया, टाइम टी। यहाँ से डिस्टेंस वी वन इंटू टी। सिमिलरली बी टू सी के लिए कहें फॉर्मूले स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें से दो चीज़ें पता है हमें, स्पीड और टाइम, डिस्टेंस निकल आएगा। स्पीड की वैल्यू वी टू, डिस्टेंस पता करना है, टाइम आपका टी, तो डिस्टेंस वी टू टी। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डी वन प्लस डी टू हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, मैंने उसको डायरेक्टली पुट कर दिया। न्यूमरेटर वाली टर्म टोटल डिस्टेंस है, दिस टर्म इज़ योर टोटल डिस्टेंस। थोड़ा सा क्या है कि नेक्स्ट पेज पे नहीं जा रहा था तो यहीं कर दिया है। तो टोटल डिस्टेंस हुआ वी वन वी टू मतलब डी वन प्लस वी टू टी आपका डी टू डिवाइडेड बाई टोटल टाइम ट्वाइस ऑफ टी। इसमें से टी कॉमन लेंगे, ऊपर बचेगा वी वन प्लस वी टू, टी से टी कैंसिल, वी वन प्लस वी टू बाई टू। ठीक है, ये आपका यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ज़रा समझ लीजिएगा, बार बार एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट रखनी है कि आपको ना एक रिलेशन तो देगा, अब टाइम के बारे में या फिर डिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि जर्नी इज़ कंप्लीटेड इनटू थ्री इक्वल पार्ट्स। ठीक है, थ्री इक्वल डिस्टेंस बता रहा है कि जो इक्वल टाइम में कवर कर रहा है, इसे आप देख लीजिएगा।